सक्षम वैभवशाली भारत निर्माण रे नुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपर आयोजित कार्यक्रम रे जोग देले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एही कार्यक्रम रे वैभवशाली भारत निर्माण रे राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा भूमिका नै शिक्षा मंत्री निजर अभिभाषण प्रदान करिसेंती। भारतीय भाषा तथा आंचलिक भाषा को प्रोत्साहन शिक्षा प्रणाली रे भारतीय मूल्यबोध एवं शिक्षा सह रोजगार को सर्वाधिक प्राधान्य दिया जाय छि। सारे भाषा को बड़े आदर के साथ राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन बाकी सारे भाषा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, तमिल हो, पंजाबी हो, ओडिया हो, बंगाली हो या आसामी हो या अन्य कोई भाषा हो, सारे भाषा हमारे बड़े मधुर हैं, राष्ट्रीय भाषा है। ये सब देश को एकत्रित करके रखता है, यही हमारी विशेषता है। देखिए, ये एक वैश्विक आह्वान चैलेंज है। आज दो मार विश्व की अर्थनीति झेल रहा है। कोरोना से जब दुनिया की अर्थनीति पटरी पे आ रहा था और भारत की अर्थनीति 7-8% जीडीपी की ओर जा रहा था, उस समय में ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई विशेष करके कमोडिटी प्राइस को बड़ा करवाया है, उसकी इम्पैक्ट हमारी ऊपर भी आई है। मैं मानता हूँ शायद ये धीरे धीरे, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने ये अपेक्षा रखा कि इस युद्ध में कोई नहीं जीतने वाला है, वार्ता के माध्यम से विश्व में शांति लाएंगे तो विश्व की गरीब लोग सही रहेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। समाचार बुलेटिन में वर्तमान पर खबर को एट रखा। नमस्कार।